हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आज यहाँ तीन तरह की रीडिंग है। रीडिंग नंबर वन है आपका इमीडिएट फ्यूचर चेक करने के लिए। ये रीडिंग उन व्यूवर्स के लिए है जिन्हें कुछ स्पेसिफिक काम है कमिंग फ्यूचर में, लाइक विद इन 3 to 6 months। हो सकता है आपने कहीं अप्लाई किया है और आप चाहते हैं आपको पॉजिटिव रिवर्ट मिले, वहाँ से प्रपोज किया है, या किसी सिचुएशन को लेकर फियरफुल हैं, तो रीडिंग नंबर वन आपके लिए है। रीडिंग नंबर टू है उन व्यूवर्स के लिए जो किसी व्यक्ति के दिल दिमाग की बात जानना चाहते हैं, लव लाइफ या रिलेशनशिप को लेकर। और रीडिंग नंबर थ्री है इंडिविजुअली आपकी लव लाइफ को लेकर। तो अब हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग नंबर वन। इससे चेक करेंगे जिस भी सिचुएशन का, या ऑफर या प्रपोजल का, या किसी भी बात के आंसर जानने का आप वेट कर रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्चुअली इमीडिएट फ्यूचर में ही, लाइक 3 to 6 months के विदिन या 1 month के विदिन। तो इस रीडिंग से क्विकली चेक कर लेते हैं कि इमीडिएट फ्यूचर में जो आप चाहते हैं, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, विल इट कम ट्रू। लुक्स लाइक अपने आप को वेल सेटल्ड बनाने के लिए प्लान कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। दिस इज लाइक टू थिंग्स, एक तो फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, एंड सेकंड थिंग इज एक होम लाइफ कंप्लीट करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ। तो दो इश्यूज नज़र आए हैं। अगर ये आपके हैं तो इमीडिएट फ्यूचर में थोड़ा वेट करना पड़ेगा। दिस इज लाइक अभी 6 months से ज़्यादा भी समय लग सकता है, बिकॉज यहाँ फाइव ऑफ कॉइन्स है जो बता रहा है कि सर्कमस्टेंसेज 50-50 इम्प्रूव्ड होंगी, 50-50 करके इम्प्रूव्ड होंगी। द मून आया है, तो फिलहाल यू शुड कीप ट्राइंग, कोशिश तो करते रहें आप, बट जैसा चाहते हैं एग्जैक्टली वैसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इन दिस केस लेट्स क्वालिफाई कि मून कार्ड क्या बताना चाहते हैं। फ्रेंड्स, अभी हार्डवर्क करना है आपको। दिस इज नंबर 8 एज एन ऑब्स्टेकल आया है, सैटर्न का नंबर है जो कि आपके हार्डवर्क को डिमांड कर रहा है इस वक्त। इट मीन्स आपको बहुत हार्डवर्क अभी करना है। फ्रेंड्स, देर इज स्टिल समथिंग रॉन्ग विद यू, कुछ ऐसा है जो आपसे छुपा हुआ है। किसी पर्टिकुलर के साथ फैमिली लाइफ प्लान कर रहे हैं, तो देर कैन बी अ रोल ऑफ सम थर्ड पार्टी और योर पर्सन इज ग्रेटली बैडली इन्फ्लुएंस्ड, इसलिए फिलहाल नियर फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट नहीं है। वो व्यूअर्स जिन्होंने कहीं अप्लाई किया है फॉर जॉब एंड ऑल, और चाहते हैं कि उन्हें ऑफर मिले, उनके लिए द मून बता रहा है दिस कैन टेक टाइम, थोड़ा समय लग सकता है। आपको अभी अपने एंड से और ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, स्किल्ड होना होगा। फैमिली लाइफ में इफ मैरिड, और ऐसे में आप दोनों के बीच इफ देर इज सम डिस्टर्बेंस गोइंग ऑन, तो भी अभी थिंग्स को इम्प्रूव होने में टाइम लगने वाला है। दिस इज ऑल, आपके लिए एक एडवाइस ले लेते हैं। एक एडवाइस ले लेते हैं और एक एंजल्स का गाइडेंस या प्रेडिक्शन आपके केस में इंक्लूड कर लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है फ्रेंड्स एज एन एडवाइस, तो इसका मीनिंग ऑफ कोर्स समय पर छोड़ने वाला है। अ फ्रेश न्यू स्टार्ट और द एंड ऑफ डिलेज, सडन और अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस, अ वेरी पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ, ट्रैवल और अ न्यू व्हीकल, ये इसका हिडन मैसेज है। आपकी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट होगा, बट ये होगा आफ्टर सम डिलेज, कुछ डिलेज के बाद।
इट मीन्स जैसे ही आप क्यूरियोसिटी ख़त्म करेंगे इस पर्टिकुलर सिचुएशन के आने की, तब आपकी लाइफ में ये इम्प्रूवमेंट आएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो डिले हो रहा है, बट दिस इज़ फॉर समथिंग गुड, कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। आपकी मैनिफेस्टेशंस में थोड़ा डिले है अभी। मैजिक इज़ अलाइव इन योर लाइफ, व्हाट यू नीड टू बी अ सक्सेस विल मैनिफेस्ट इफ़ यू बिलीव यू कैन डू इट। तो थोड़ा एनर्जीज को शिफ्ट करना होगा। इट मीन्स आपको एक्सपेक्टेंट नहीं रहना होगा। एक्सपेक्टेंट नहीं रहेंगे तो थिंग्स विल बी सून फाइनल। अच्छा, कहीं कुछ केसेस में यहाँ पास्ट लाइफ के कर्मास का भी रोल चल रहा है। एंजल्स से प्रेडिक्शन ले लेते हैं फ्रेंड्स आपके लिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, टेक एक्शन, आस्क योर एंजल्स। तो इसका मीनिंग है फ्रेंड्स, आप सबसे पहले कूल माइंडसेट वाले बन जाएं, उसके बाद एक्शन लें, तो थोड़ा टाइम अभी लगने वाला है। ऑल राइट, टेक केयर। सो रीडिंग नंबर 2 है उन व्यूअर्स के लिए जो किसी व्यक्ति के दिल दिमाग की बात जानना चाहते हैं, स्पेशली व्हेन यू फील कनेक्टेड विद देम, इमोशनली लविंगली कनेक्टेड। इट मीन्स आप नफरत नहीं करते हैं इन दैट केस, और अगर ड्यूअल मेंटेलिटी है तो भी देख सकते हैं। तो लेट्स सी, जिस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, व्हाट ही और शी हैज़ इन हिज और हर माइंड और हार्ट। आप फ्रेंड्स कॉन्सेंट्रेट करें उन पर, थिंक ऑफ देम। लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकता है ये पर्सन आपसे, और मे बी वाया इंटरनेट मिले हैं। द मैजिशियन एस ऑफ वांड्स। देखिए, पर्सन जो है ये अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट इस पर्सन के एंड से जो शुरुआत होती है रीस्टार्ट करने वाली लाइफ में, वो नहीं हो रही है। इट मींस पर्सन के साथ कुछ ऐसा चल रहा है जिसे ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। रिलेशनशिप हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, एनीथिंग, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और अभी खुद ही स्टक हैं, खुद नहीं निकलना चाहते हैं इस सिचुएशन से बाहर। निकलना नहीं चाहते हैं का मीनिंग है फ्रेंड्स, पर्सन का जो माइंड सेट है लाइक वेटिंग एनर्जी वाला ही है। इट मींस जो उन्हें सही लगता है वही करना चाहते हैं। वेदर हो सकता है इनके साथ सब कुछ ठीक हो रहा है, बट फिर भी जो इस पर्सन ने सोचा हुआ है वही करना चाहते हैं। देखते हैं दिल दिमाग की बात क्या है। ऑल राइट, देखिए यहां लग रहा है थोड़ा डिप्रेशन में है ये पर्सन, और किसी गए हुए को बुला रहे हैं। आपको लेकर के फीलिंग्स हैं। दिस इज़ लाइक आपसे अट्रैक्शन भी है, आपसे प्यार भी है, बट पर्सन फिर भी आपके होते हुए भी कुछ नया ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पुराना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स थिंग्स क्लियरली नहीं दिखाई दे रही है इस पर्सन को फिलहाल। पर्सन की लाइफ में फ्रेंड्स डिले लिखा हुआ है, और पर्सन अपनी लाइफ का डायरेक्शन अभी जान नहीं पा रहे हैं। मे बी पर्सन जो है परमानेंट थर्ड पार्टी में है, तो इस वजह से दिस पर्सन इज नॉट गिविंग यू क्लैरिटी, और पर्सन की लाइफ में डिले लिखा हुआ है इनके यूनियन या रीयूनियन को लेकर। आपके केस में थोड़ा बहुत अट्रैक्शन है आपसे, और दिल में गुड वाइब्स भी हैं,
बट पर्सन खुद ही नहीं चाहते हैं अपनी झंझटों से फ्री होना, और पर्सन एक ट्विन फ्लेम या सॉलमेटशिप में तो है। बट डिले लिखा हुआ है फ्रेंड्स, यूनियन और रीयूनियन को लेकर 3-3 नंबर आया है, आया पॉजिटिव वे में है। तो पर्सन का यूनियन रीयूनियन भी है अपने ही सॉलमेट से या जो भी इनके पार्टनर हैं उनसे। हम जान रहे थे इनके दिल दिमाग में क्या है। तो फ्रेंड्स, दिल दिमाग में आपके लिए प्यार है, आपसे अट्रैक्शन भी है, लेकिन इन्हें अपने ही पास्ट में इम्प्रूवमेंट का वेट करना है। एक एडवाइस लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले एक कार्ड लेते हैं इस पर्सन की मेंटेलिटी को और ज़्यादा जानने के लिए, मेंटेलिटी या पर्सनालिटी को। टेन ऑफ वांड्स है फ्रेंड्स। वर्किंग टू हार्ड और टू मेनी आवर्स, द नीड फॉर बैलेंस इन लाइफ। पर्सन को ज़रूरत है कि वो लाइफ में बैलेंस बनाए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और वर्क में भी अपने आप को बिजी रखते हैं। लेट अदर्स हेल्प यू, हेल्थ प्रॉब्लम ड्यू टू स्ट्रेस, और स्ट्रेस की वजह से इन्हें हेल्थ प्रॉब्लम भी हो जाता है। कन्फ्यूज्ड तो हैं ही। फाइव ऑफ कप्स, बिल्कुल निगेटिविटीज़ पर ज़्यादा फोकस्ड है पर्सन। तो देखते हैं आपको लेकर के, जब अट्रैक्शन है और रेस्पेक्ट भी है तो फिर करंट एनर्जी क्या है आपके पर्सन की इस वक्त। मैन होल्डिंग अ हार्ट, थर्ड चक्र आर्कएंजल कैम्बियल, अबेंडेंस। वेल, इमोशनल हैं और जैसा कि दिखाई दे रहा है एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स आपको लेकर के, इमोशनली सेटिस्फाइड हैं आपसे। थर्ड चक्र आर्कएंजल कैम्बियल भी आए हैं फ्रेंड्स। इट मींस ये पर्सन अपनी लाइफ में जो इनके पाथ है, लाइफ का जर्नी का जो पाथ है, उसमें अपनी हार्टी विशेस को फॉलो करेंगे। और कैम्बियल भी तभी आए हैं जब इस पर्सन की लाइफ जर्नी कुछ स्पेसिफिक तो है। ऑल राइट, दिस इज ऑल। एंजल से एक गाइडेंस आपके लिए ले लेते हैं इस पर्सन के केस में। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अनलाइकली इन द नियर फ्यूचर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको और इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है, अनलाइकली भी कहा है, अनलाइकली का मीनिंग है नॉट रैशनल। इट मीन्स पर्सन जो है वो अपनी लाइफ में कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो कि फिलहाल पॉसिबल नहीं है। डिले तो है इनकी लाइफ में। दिस इज ऑल। द वर्ल्ड कार्ड भी है तो स्पेसिफिक जर्नी है। हाँ, आपका इस पर्सन से जो मिलना है, द मैजिशियन, द वर्ल्ड, दिस इज लाइक हीलिंग, हील कर सकते हैं एक दूसरे को। दिस कैन बी अ गुड फ्रेंडशिप। दिस इज ऑल। थैंक यू, प्लीज टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, तो ये रीडिंग एक्चुअली उन व्यूवर्स के लिए है जो इंडिविजुअली अपनी लव लाइफ को लेकर के जानना चाहते हैं, मैरिटल स्टेटस आपका जो भी है। दिस इज लाइक देखते हैं आपकी लाइफ में एज फार एज लव इज कंसर्न। तो अब जिस भी पर्टिकुलर सिचुएशन में हैं उसके चलते क्या आउटकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, इट मीन्स कहाँ जाकर ये सिचुएशंस आपकी एंड होंगी, कंक्लूड होंगी, और फाइनली आपकी लव लाइफ रहने कैसे वाली है अब से लेकर आगे तक। देखिए फ्रेंड्स, इस वक्त द हैंग्ड मैन, कोई जल्दबाजी भी नहीं है और कोई क्लैरिटी भी नहीं है।
इट मीन्स आपका एटीट्यूड ही बदल गया है लव लाइफ को लेकर, आप को बिलीव नहीं रहा है इन ट्रू लव, लेकिन अब आपने डिसाइड कर लिया है जो भी हो उसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे, बट उस किसी को फॉलो नहीं करेंगे, चेज नहीं करेंगे, ऐसी एनर्जीज आपकी आई हैं। फ्रेंड्स, आप लुक्स लाइक सोलमेटशिप में हैं, लेकिन यहाँ मेंटल ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं। यस, एट नंबर बहुत आ रहा है फ्रेंड्स, सैटर्न का रोल तो है आपकी लाइफ में। फ्रेंड्स देखिए, फाइनली शुरुआत तो होगी आपकी लाइफ में लव लाइफ को लेकर, और एक अच्छे पार्टनर भी आपको मिलेंगे, सोलमेट ही हैं आपके, 111 यहाँ हैं, टू ऑफ कप्स फाइनल आउटकम आया है, बट इसके लिए आपको अभी थोड़ा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स जो रीडिंग नंबर 1 है जिससे हमने आज स्टार्ट किया था, ये वही रिजल्ट दे रहा है सेम, तो उसको भी आप ज़रूर चेक कर लेंगे आपके इमीडिएट फ्यूचर को। आपकी लाइफ में आपके सोलमेट हैं, लेकिन इशू इज़ दो बातें हैं, आपके एंड से अभी कुछ हार्डवर्क करना बाकी है, सैटर्न का नंबर है ये, तो एक तरह से अभी बहुत हार्डवर्क करना है, फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग होना है, और कुछ मेंटल ब्लॉकेजेस हैं फ्रेंड्स, इविल आइज से बचना है और हील करना है अपने आप को। तो फाइनली आपकी लाइफ में यू हैव अ वेरी गुड सोलमेट। राइट, अब हम क्वालिफाई कर लेते हैं इसमें कुछ पर्टिकुलर कार्ड्स को, देखते हैं एट ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है। रेस्ट एंड रेजुविनेशन, ब्लॉजमिंग अबेंडेंस, सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेट्रॉन। तो फ्रेंड्स देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटल ब्लॉकेजेस आपको ख़त्म करने हैं, रेस्ट एंड रेजुविनेशन में आना है, इस तरह रिलैक्स्ड हो जाना है, और प्रैक्टिकली हार्डवर्क करना है काफ़ी ज़्यादा। सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेट्रॉन है यहाँ पर, वो भी बता रहे हैं कि देर इज़ सम इविलाइज और ये हील्ड हो जाएगी, बट इसके लिए आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेंट नहीं रहें और आप अपने एंड से हार्डवर्क करें। अच्छा, ब्लॉजमिंग अबेंडेंस है फ्रेंड्स, 3 नंबर है, जुपिटर का नंबर है, फैमिली ओरिएंटेशन को बताता है, तो यू हैव अ फैमिली आगे जाकर आपके साथ, थिंग्स विल बी फाइन। कुछ डिसीट तो है इसमें, सिक्स चक्र आर्कएंजल मेट्रॉन है तो बता रहे हैं कि एवरीथिंग विल बी फाइन। तो फ्रेंड्स आपकी जो लव लाइफ है इंडिविजुअली, इसमें देखा जा सकता है कि आपको लाइफ में क्लैरिटी मिलने में समय लगने वाला है बहुत ज़्यादा। प्रेजेंट से स्टार्ट करें तो अभी भी 8 मंथ्स से पहले इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, 8 मंथ्स के बाद इम्प्रूवमेंट इज देयर। द चैरियट और एस ऑफ वेंट्स, दो कार्ड एक साथ आ गए हैं विद 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है फ्रेंड्स, विश फुलफिल तो होंगी, बट इसके लिए आपको ये दो बातें ध्यान रखना है, एक तो आप अपने पाथ को डिसाइड करें लाइफ में, रिवॉर्ड्स दैट कम फ्रॉम हार्ड वर्क, सक्सेसफुली बैलेंसिंग मैनी प्रायोरिटीज एट वंस। आप अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाए फ्रेंड्स, आपको जिस बारे में काम करना पसंद है, जिस पर वर्क पसंद है वो करें, डिटर्मिनेशन एंड विल पावर रखें, पब्लिक रिकॉग्निशन। एस ऑफ वॉन्ट्स आया है फ्रेंड्स, और बॉटम ऑफ द डेक में भी एस ऑफ वॉन्ट्स ही था, तो श्योरली आपकी लाइफ में बिगिनिंग होगा, बट ये वॉन्ट्स का बिगिनिंग है, इट मीन्स जब आप पार में होंगे तभी होगा। एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, बी बोल्ड
साहसी बने, करेजियस, हिम्मत रखें, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी भी रहें। नाउ इज़ द टाइम टू टेक एक्शन, डू वॉट यू आर पैशनेट अबाउट। तो आपके लिए फ्रेंड्स ओवरऑल जो मैसेज आया है, दिस इज़ लाइक किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में नहीं सोचें, बिकॉज दैट पर्सन सीम्स टू बी अफेक्टेड बाई सम इविलाइज, तो वो आपके साथ भी चल रहा है, सैटर्न का रोल है। आप अपने वर्क पर अटेंटिव हो जाएं। चलिए एंजल से गाइडेंस लेते हैं आपके लिए, एक गाइडेंस लेते हैं और एक प्रेडिक्शन लेते हैं एंजल से। रोमांस, वाओ, कांग्रेचुलेशन। तो जर्नी तो फ्रेंड्स आपकी भी बहुत अच्छी है, सोलमेटशिप में हैं आप। यस का आंसर भी आया है फ्रेंड्स, बी असर्टिव, बस आप मेहनत करें। देखिए यहाँ एंजल के पास एक की है, तो दिस इज द मैसेज फॉर यू, ये आपके लिए मैसेज है। इट मीन्स आपके फ्यूचर की चाबी आपके ही पास है। यहाँ आप हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हैं, किसी तरह के ब्लॉकेजेस हैं तो उसको लेकर के आप रिलैक्स्ड हो जाएं, थिंग्स विल बी हील्ड विद टाइम, समय से ही ठीक होगा। आप अपनी एनर्जीज को वर्क एरिया पर ज़रूर लगा दें। और रोमांस और यस का आंसर है आपके लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन। दिस इज ऑल, टेक केयर।